हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से स्टेशन एंड प्लेसेस में जो वीडियो लेकर आया हूँ वो खीरी टाउन हॉल से मालगाड़ी में गेहूं की लोडिंग हो रही है उसका वीडियो है। और ये जो वीडियो भेजा है ये विकास भाई ने भेजा है खीरी टाउन हॉल से गेहूँ की लोडिंग होते हुए। और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा वीडियो बनाया। शुक्रिया विकास भाई। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा और मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि गेहूं की लोडिंग हो रही है इस मालगाड़ी में, और ये मालगाड़ी लखीमपुर जाती है, फिर वहाँ से उसका इंजन रिवर्स होकर वापस खीरी टाउन आती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि खीरी टाउन हॉल्ट को स्टेशन बनाना चाहिए, क्योंकि हर गाँव से लखीमपुर के बीच में कोई भी क्रॉसिंग नहीं है। और ट्रेन के क्रॉस होने के लिए ऑयल या खीरी टाउन हॉल्ट को स्टेशन बनाना वो बहुत आवश्यक है, जिससे कि ट्रेनों की लेट लतीफ़ी और यात्रियों को असुविधा ना हो और क्रॉसिंग की व्यवस्था भी हो जाए, जिससे कि लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर भी थोड़ा सा दबाव कम हो। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सामने गेहूं की लोडिंग कराई जा रही है, और ये जो लोडिंग हो रही है ये असम में गेहूँ भेजा जाएगा लोडिंग होने के बाद। अब फ्रेंड्स देखिए, ये अस्थाई माल गोदाम खीरी हॉल्ट में बनाया गया है। कितना फ़ायदा हो रहा है रेलवे को, फ़ायदा इस तरह से भी हो रहा है। एक तो माल गोदाम के रूप में खीरी को एक खीरी टाउन हॉल्ट एक साइट के रूप में भी नज़र आ रहा है, और साथ में यहाँ के लोगों को एक अस्थाई रूप से रोज़गार भी मिला हुआ है। दूसरी बात, लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर वहाँ पर एक तरह से देख सकते हैं ट्रैफिक की व्यवस्था भी है, वो भी बाधित नहीं हो रही है, और सारा काम खीरी टाउन से ही हुआ जा रहा है। अगर खीरी टाउन स्टेशन हुआ करता तो इंजन को यहीं पे रिवर्स कर लिया होता और काफ़ी समय की बचत भी होती। फ्रेंड्स, मैं फिर यही कहूँगा, खीरी टाउन हॉल्ट को स्टेशन बनाया जाए, जिससे कि लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो, और माल गोदाम एक खीरी टाउन हॉल्ट के पास भी बना दिया जाए या खीरी टाउन हॉल्ट पर भी बना दिया जाए, तो रेलवे को काफ़ी फ़ायदा होगा और साथ में यात्रियों को भी। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नया वीडियो लाऊंगा। अलविदा।